हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर चैनल डीजी फोटो इंडिया। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सब लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत खास है, वो है हमारे ट्राइपॉड्स के ऊपर। और ये जो ट्राइपॉड्स हैं वो मेरे पास बहुत सारे बिगनर्स भी आते हैं और अमेचर भी आते हैं और प्रोफेशनल भी आते हैं, तो वो कहते हैं भैया हमें किस तरीके का ट्राइपॉड लेना चाहिए और हमारे लिए कौन सा बेस्ट ट्राइपॉड है। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं अमेचर्स के लिए, और जो बिगनर्स हैं उनको कौन से ट्राइपॉड्स लेने चाहिए और कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना यही समझ नहीं आता कि हमारे लिए ट्राइपॉड ज़रूरी भी है कि नहीं है, या हमारे को जो है वो विदाउट ट्राइपॉड ही काम हो जाएगा, या हमें क्या करना है। तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा एक्चुअली में एक्सपेंड हो चुकी है और बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं। तो ट्राइपॉड आपका किस जगह पे काम आएगा वो मैं आपको यार थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा, और आपको कौन सा ट्राइपॉड लेना है वो भी मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि ट्राइपॉड आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। अगर आप बिगनर हो, अगर आप व्लॉगिंग करते हो, तो एक तो अगर आपने एक्शन कैमरा ले रखा है तो आपको कोई भी नीड नहीं है, इन में से कोई भी ट्राइपॉड की कोई नीड नहीं है। आपकी जो है सेल्फी स्टिक काम कर जाएगी आपकी गोप्रो की, उसी के नीचे आप एक छोटा स्टैंड लगा सकते हो और उससे आप जो है अपना व्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आप कैमरा प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो या अगर आप अमेचर फोटोग्राफर हो, अगर आपके DSLR है, अगर आपके DSLR है तो आप ट्राइपॉड के ऊपर जा सकते हो। और ट्राइपॉड अगर आप अमेचर हो, अगर आपका कोई ऐसा नीड नहीं है कि अगर आपने सेल्फी शूट्स करने हैं या नॉर्मल शूट्स करने हैं, या आप ट्रैकिंग पे हो, कुछ आपको ऐसे हल्के फुल्के शूट्स लेने हैं जिसमें पोर्ट्रेट शूट्स हैं, या आपको जहाँ पर बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, तब हमारे को ट्राइपॉड की नीड होती है। उसके बाद अगर हमारे को जो है अपना ट्राइपॉड के अंदर अगर हमारे को जो किस तरीके का उस वक्त हमें ट्राइपॉड चूज़ करना चाहिए, तो वो एक हमारे लिए समस्या बन जाती है कि हमें ट्राइपॉड कौन सा लेना है। तो आज मैं तीन तरीके के ट्राइपॉड लेके आया हूँ। तीनों बहुत बढ़िया ट्राइपॉड हैं, बेसिक ट्राइपॉड्स हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, और इनके अंदर क्या है कि आपका सारा यूजेज हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने दो तो जो मॉडल हैं वो Digitech के यूज़ किए हैं। एक इसके अंदर DTR हमारा 520BH है, ये मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है, DTR 520BH। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है हमारा ट्राइपॉड DTR 550LT। ये दोनों ही मॉडल बहुत ट्रेंडिंग है, दोनों के मैं प्राइस भी शेयर करूंगा। अगर आप मार्केट के अंदर लेने आते हो, कहीं से भी लेते हो, तो आपको ये दोनों की किस रेंज के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद हमारा ये है डीजी फोटो कंपनी का ट्राइपॉड, और ये जो है इसका भी मॉडल जो है वो आपका LT 580 है। और ये जो है लगभग DTR 520 और ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में हेड का बहुत फ़र्क है। तो आज मैं आपको तीनों हेड, मैं तभी तीनों अलग अलग ट्राइपॉड लाया हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि तीनों हेडों का क्या क्या पर्पस है, और अगर आप लेने लगे हो अमेचर या आप जो है बिल्कुल बिगनर हो, तो आपको कौन सा ट्राइपॉड लेना चाहिए और किस वजह से लेना चाहिए। तो यही एक छोटी सी आज हमारी वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सबसे बेसिक ट्राइपॉड DTR 550LT। ये सबसे बेसिक ट्राइपॉड है, और इसके अंदर जो है ना आपको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट अपने ये क्विक रिलीज प्लेट होती है, आपने इसको रिलीज़ करना है, और इसके अंदर अपना यहाँ पे इस तरीके से DSLR को जो है अपना आपने स्क्रू अप करना है यहाँ पे इस जगह से। इसके अंदर इन्होंने पिन दे रखी होती है, इसको आप हल्का सा ऊपर करोगे इस तरीके से, तो ये आपका जो है इस पर DSLR फिट हो जाएगा बेस प्लेट के ऊपर। ये देखो आप, ये इस तरीके से आपका फिट हो गया DSLR। उसके बाद ये आपने यहाँ से क्विक रिलीज प्लेट को आपने जो है जस्ट पीछे किया, और ये आपने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया, ये आपका DSLR फिट हो गया। अच्छा, ये अभी हमने उल्टा DSLR फिट कर दिया है क्योंकि हमारा इस तरीके से यूज़ नहीं होता DSLR, तो हम जो है इसकी बेस प्लेट को थोड़ा सा घुमा देंगे। मगर ये DSLR, ये जो ट्राइपॉड्स हैं हमने क्यों लेने हैं, बेसिकली क्या ये जो अगर हमें जब हम लेने आए हैं तो हमें क्या चीज़ अपनी देखनी चाहिए कि ये हमारे लिए सूटेबल है, हम वीडियो के लिए ले रहे हैं, स्टिल फोटोग्राफी के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत सारी जो है ना मायने रखती हैं उस वक्त जब हम जो है चूज़ करने आते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो DTR 550 को लेने के लिए, तो ये क्या है कि स्टिल फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया ट्राइपॉड है, मगर वीडियो के अंदर क्या है कि जब पैनिंग का टाइम आता है ना, ये देखो अब ये हल्का जर्क कर ले रहा है, तो ये जो जर्क जब आ जाता है तो हमारी वीडियो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। तो अगर हम स्टिल फोटोग्राफी के लिए DTR 550 ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, नो डाउटेड। अगर हम इसको कई बार यहाँ से टाइट भी करते हैं तो भी हल्का सा जर्क लेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। लगभग इसकी हाइट 5.5 फुट के करीब है, और इसके अंदर पैनिंग सारी है, जैसे अप एंड डाउन पैनिंग चल रही है। अब ये देखो अप एंड डाउन पैनिंग है,
रोटेशन है, सारी रोटेशन है, सब कुछ चल रहा है इसके अंदर। और सबसे खासियत क्या है कि पोर्ट्रेट शूट्स, अगर आप पोर्ट्रेट शूट ले रहे हो तो आप इसको जो है साइड टिल्ट भी ले सकते हो, तो ये पोर्ट्रेट शूट भी आपको दे देगा। बट अगर आप वीडियोस के लिए ले रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका पार्ट है ना, ये हल्का जर्क लेता है। अगर मैं इसको यहाँ से टाइट भी कर देता हूँ मान लो, तो भी एक हल्का सा ना मूवमेंट के अंदर इसके अंदर ये एक हल्की सी इसके अंदर जो है जर्क आ जाता है, तो वो वीडियोस हमारी जो है उतनी स्मूथ नहीं बन पाती। तो जो स्मूथ हेड होता है, जो देखो ये लगभग जो हमारा ट्राईपॉड है लगभग 1400-1500 रुपए की रेंज का ट्राईपॉड है, तो अगर हम इस रेंज के अंदर ये ट्राईपॉड ले रहे हैं स्टिल फोटोग्राफी की ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। मगर अगर हम इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं है, क्योंकि वीडियो के अंदर क्या होता है, ये नॉर्मल हेड है, हमें कम से कम फ्लूड हेड लेना चाहिए या हाइड्रोलिक हेड लेना चाहिए। और उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिक हेड के अंदर, स्मूथ हेड के अंदर, वो एक तो आपके उनके अंदर उन्होंने ना बहुत स्मूथ एक इसके अंदर जो है आपको इन्होंने यहाँ पे वो दे रखी होती है, अंदर फ्लूड बरक होता है, तो उससे जब फ्लूड मूव करता है तो वो बहुत अच्छी हमारे को जो है स्मूथ वीडियो देता है, कि जैसे कि हमारा गिम्बल हमारे को वीडियो के अंदर देता है। दूसरे ट्राईपॉड पे मैं आता हूँ, DTR अपने क्या था, हम आते हैं अपने ट्राईपॉड DTR 550BH। ये मेरा वन ऑफ दी फेवरेट ट्राईपॉड है, और इस तरीके के मेरे पास लगभग बहुत सारे मॉडल हैं। एक तो ये बॉल हेड है, बहुत इजी टू कैरी है, सारी डिग्रीज पे आप इसको टिल्ट कर सकते हो। ये देखो आप सारी डिग्रीज पे इसको आप टिल्ट कर सकते हो, 90 डिग्री तक टिल्ट ले सकते हो इसको आप, बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके अंदर आप स्लाइडर शॉट भी ले सकते हो, तो वो भी मैं आपको जरा अभी थोड़ा सा एक करके दिखाऊंगा। और तीसरा, इसको आप मोनोपॉड भी बना सकते हो, इसकी एक लेग रिलीज हो जाती है, आप मोनोपॉड भी बना सकते हो। लगभग ये मार्केट के अंदर आपको 4900 से लेके 5200 के बीच में मिल जाता है, अप एंड डाउन प्राइस रहती है इसकी। आज की डेट के अंदर ये 4900 का बिक रहा है मार्केट के अंदर, और बहुत ट्रेंडिंग है, और सब ये जो है आपको नॉर्मल मार्केट के अंदर हर जगह अमेज़ॉन पे भी सब जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे पास आते हो तो आप हमारे पास से भी इसको परचेज कर सकते हो, विद बिल के साथ के अंदर है सारे प्रोडक्ट्स। और ये क्या कि इस वक्त ट्रेंडिंग है बॉल हेड के अंदर, बॉल हेड के अंदर मेरे पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं आपको आगे वो भी अब एक एक करके शेयर करूँगा, कि अगर आप ये 520 लेने आ रहे हो तो मेरे पास प्रो फोटो का भी हैगा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि आप हमारे पास से आके ले सकते हो। उसके बाद बॉल हेड की क्या खासियत है, और बॉल हेड किसको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो बॉल हेड है हमारा, बॉल हेड भी हमारा जो है स्टिल फोटोग्राफी में जनरली काम आता है, लोग वीडियोस में ले लेते हैं, लेकिन स्मूथनेस जो है वो नहीं आएगी इतनी, हल्का फुल्का वो वीडियो के अंदर जो जर्क है वो मतलब महसूस हो जाता है। क्योंकि ये सारे हेड्स जो हैं, जितने भी हेड्स हैं आपके, जो नॉर्मल पेन हेड है, बॉल हेड है, इस तरीके का ये भी एक तरीके का पेन हेड ही है, बट ये मेटल बेस के अंदर हेड है, भी इस पर भी आऊँगा मैं। मगर ये सारे के सारे जो है वीडियो के लिए नहीं होते हैं, वीडियो पे काम कर सकते हैं मगर, लेकिन वीडियो में ये कामयाब नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर हम वीडियो बनाने लगते हैं तो एक हमारा ना हैंड मूवमेंट के अंदर इनमें जर्क आ जाता है, वो स्मूथनेस नहीं आती जो कि एक हाइड्रोलिक हेड में आएगी या फ्लूड हेड में आएगी। तो फ्लूड हेड भी लेते वक्त क्या देखना चाहिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा सारा का सारा, मतलब इस उसके अंदर आपको क्या चीज़ कि कितना फ्लूड उसमें है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे को देखनी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ अपने DTR 520 के ऊपर, ये यार बहुत अच्छा शानदार ट्राईपॉड है, और इसके अंदर जो है हम लोग किस तरीके से अपनी ये क्विक रिलीज प्लेट निकलेगी, देखो इस तरीके से आपने यहाँ से घुमाने, क्विक रिलीज प्लेट निकल गई। इसके अंदर भी नीचे इस तरीके का फंक्शन दे रखा होता है, इसको भी बस आपने जस्ट स्क्रू करना है कैमरे के अंदर, DSLR के अंदर, और ये लग जाएगा। अच्छा, ये जितने ट्राईपॉड्स हैं ना आपके सारे मोबाइल फ्रेंडली प्लस कैमरा DSLR फ्रेंडली है, इनके अंदर आपको जो है दोनों चीज़ें लग जाती हैं। जस्ट आपको एक होल्डर लेना होता है, वो भी मैं आपको भी दिखा रहा हूँ किस तरीके का होल्डर होता है, इस तरीके का मोबाइल होल्डर होता है, वो इस जगह पे इस तरीके से लग जाएगा, और ये इस पर आपका मोबाइल भी लग जाएगा, कैमरा भी लग जाएगा, भी मैं आपको एक वो भी लगा के लास्ट में दिखा दूंगा, कि अगर आप ये कोई भी ट्राईपॉड ले रहे हो तो आप वो ले सके लगा सकते हो। अब आप ये देखो, ये हमारा बॉल हेड है, ये हमने बॉल हेड के साथ ये देखो, अब ये मूवमेंट है, बहुत अच्छी मूवमेंट है, मतलब वीडियो के लिए भी अच्छी है इसके अंदर और स्टिल के अंदर भी। लेकिन अगर आप बॉल हेड की जगह अगर आप हाइड्रोलिक हेड ले रहे हो और फ्लूड हेड ले रहे हो, तो इससे भी कहीं ज़्यादा स्मूथ और अच्छी आपकी फोटोग्राफी होने वाली है, जिसमें आपको लगेगा हाँ भैया हमारे को मजा आ गया, क्योंकि हल्का फुल्का ये देखो आप, ये हल्का फुल्का जो जर्क होता है ना, यही हमारी वीडियो के अंदर सारा का सारा
काम खराब कर देता है। अच्छा इसके अंदर क्या कि पूरा बॉल हेड है, आपने अपने DSLR को पकड़ा कहीं भी आप मूव कर सकते हो। अगर आप इसको 90 डिग्री के अंदर पोर्ट्रेट शॉट्स में लाना चाहते हो पोर्ट्रेट शॉट्स में भी आ जाएगा, डाउन शॉट्स में लाना चाहते हो तो डाउन शॉट्स में भी आ जाएगा। इसकी खासियत यही है कि ये डाउन शॉट्स के लिए ये जो ट्राइपॉड है डाउन शॉट के अंदर काम आता है। दूसरा इसकी खासियत ये कि आप इसको नीचे से खोल के इस जगह से ये देखो इस तरीके से खुल जाता है। उसके बाद जो है आपको इसको यहाँ से रिलीज़ कराना है, ये आपका जो है बाहर आ जाएगा इस तरीके से ये। और ये जो आपका कैमरा है ये देखो आप, ये अब आपके स्लाइडर शॉट का भी काम करेगा, सारे मूवमेंट्स के अंदर काम करेगा। आप इसको टिल्ट करके 180 डिग्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, बट हमेशा केयरफुल रहना क्योंकि क्या होता है जब ये आम आगे निकल जाती है तो थोड़ा बैलेंस पीछे की तरफ जो है इसके अंदर आपको दिक्कत देगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ से स्टेबल करनी है कि आप इसको इस जगह से एक इसमें स्विच दे रखो, तो आप इसको फ्लैट करके नीचे ले आइए, जितना आप नीचे लेके आएंगे उतना ये जो है स्टेबल रहेगा आपका। ये देखो इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा यहाँ से, तो आप ये काम कर सकते हो। दूसरा इसके अंदर अगर आपको स्लाइडर शॉर्ट्स चाहिए तो स्लाइडर शॉर्ट्स के अंदर आपको ये देखो ये जैसे हिल रहा ना, ये आपको इस पूरी लेग्स को स्प्रेड करना पड़ेगा, इसमें इन्होंने यहाँ पर स्विच दे रखा है, तो आप इसके अंदर स्लाइडर मूवमेंट ले सकते हो इस तरीके से। ये देखो आप, ये स्लाइडर मूवमेंट है इसके अंदर सारी की सारी, ये स्लाइडर मूवमेंट है, आप इसको स्लाइडर मूवमेंट के अंदर ले सकते हो। और इसको अगर आपने मोनोपॉड बनाना है तो ये बाहर आ जाएगी इसकी एक लेग, तो ये मोनोपॉड बन जाएगा। उसके लिए एक इस तरीके की अटैचमेंट दे रखी होती है, तो ये आपका मोनोपॉड का भी वर्क करने लग जाएगा सारा का सारा, तो वो भी आप जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसका हेड निकालना चाहते हो तो हेड निकाल भी सकते हो बाहर, ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो एक ये ट्राइपॉड मुझे इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर मैं अपना स्लाइडर वर्क भी कर लेता हूँ, और इसको हम अगर आउटडोर जा रहे हैं तो आप अगर रॉक कहीं पे हो, अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो आप इसको इसकी लेग्स को छेड़ के सारा बैलेंस कर सकते हो इस तरीके से, सब कुछ हो जाता है इसके अंदर, तो दिक्कत नहीं आती है। देखो ये वाली लेग जो होती है इसकी ये रिमूवेबल है, तो यही नीचे अटैच हो जाती है बाहर निकलने के बाद, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये देखो आप ये पूरा का पूरा बाहर आ जाता है इस तरीके से, हमारी अटैचमेंट लग जाएगी। तो ये आपका मोनोपॉड का भी काम करेगा, हैंड गिम्बल का भी काम करेगा, सारे काम करेगा। तो बहुत एक अच्छा और एक फ्रेंडली ये हमारा जो है सेल्फी शूट्स करनी है, बहुत फ्रेंडली एक मोनोपॉड ट्राईपॉड और ऑल इन वन बन जाता है। तो इसलिए ये एक अगर आप कभी लेने का सोच रहे हो ट्राईपॉड, अगर आप अमेचर हो या आप बिगनर हो तो आप ये एक बार सोच सकते हो। लगभग 4,900 से 5,200 रुपये की रेंज का ट्राईपॉड है हमारा। उसके बाद मैं शिफ्ट करता हूँ अपने जो है मेटल बॉल हेड के इस वाले ट्राईपॉड के पे जो डीजी फोटो का हमारा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है, पूरा मेटल बेस का है। जैसे अगर हम कंपेयर करेंगे अपने 550 से, ये जो 550 है ये प्लास्टिक हेड है, ये मेटल हेड है, इसके अंदर भी सारी की सारी साइड पैनिंग है, इसके अंदर आपका स्प्लिट लेवल भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, स्प्लिट लेवल मीन्स वाटर लेवल है कि इसके अंदर जो है आपको अगर देखना है कि आप कहीं पर वो बैलेंस है कि नहीं है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं। दूसरा इसके अंदर भी बहुत तगड़ा लॉक सिस्टम दे रखा है कि आपको अगर 180 डिग्री तक फ्लैट करना है तो 180 डिग्री तक फ्लैट भी हो जाएगा ये आपका ट्राईपॉड। उसके बाद ये इसके अंदर भी वही सिस्टम है कि अगर आप मोनोपॉड बनाना चाहते हो तो मोनोपॉड भी बन जाएगा ये आपका। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही हैं, पूरा का पूरा मेटल हेड है, दो जगह इन्होंने स्प्लिट लेवर दे रखा है, एक हेड के लिए एक लेग्स के लिए, सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल ये भी बहुत बढ़िया और ये भी लगभग आपका 5,500 रुपये की रेंज का ट्राईपॉड है। तो आप इन तीनों में से कोई भी, अगर आप बिगनर हो तो तीनों में से कोई भी ट्राईपॉड ले सकते हो। अगर आपको कोई भी फंक्शन समझने किसी भी ट्राईपॉड के, तो आप हमारे पास डीजी फोटो इंडिया के शोरूम पे आ सकते हो और देख सकते हो। तो अगर अब एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये मैं कहता हूँ कि अगर आपको इन्हीं ट्राईपॉड्स को अगर आपको मोबाइल ट्राईपॉड बनाएं तो कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट एक इस तरीके का मोबाइल होल्डर आपको लेना है मार्केट से और इसको भी स्क्रू करना है। ये देखो आप, इन दोनों को स्क्रू करना है और ये जो है आपका इस तरीके से आपका ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये घेर दे रखा है, इसको हल्का सा यहाँ से प्रेस करके ऊपर करना है। ये आपका मोबाइल है, ये आपने इसको नीचे प्रेस किया तो ये आपका मोबाइल ट्राईपॉड बन गया। तो कोई भी ट्राईपॉड अलग से, कोई मोबाइल ट्राईपॉड और DSLR ट्राईपॉड दोनों एक ही होते हैं और दोनों ही एक जैसा वर्क करते हैं। बस डिपेंड आपको ये करता है कि कितनी स्मूथनेस चाहिए आपको वर्क करते वक्त और कितनी आपको जो है ज़रूरत है ट्राईपॉड की। अगर कम ज़रूरत है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी मार्केट के अंदर अब मोबाइल्स के लिए तो बहुत ऑप्शन है, क्योंकि मोबाइल्स के लिए तो मोबाइल्स गियर्स बहुत सारे हैं, लाइक मोबाइल्स गिम्बल बहुत सारे आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, तो हम उस वक्त ट्राईपॉड को निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वही हमारा आधे ज़्यादा काम कर देते हैं।
तो अगर लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हो, अमेचर हो, तो आप उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आप इन ट्राइपॉड्स को ले सकते हो और अपना जो है वीडियोस